ये मेरा पहला YouTube वीडियो है और इसमें मैं पुराने डोर प्लेट को मेकओवर दे रही हूँ। इस डोर प्लेट के सूखते ही मैंने इसे डोर पे चिपका दिया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हे फ्रेंड्स, दिस इज ड्रामेटिक साइट एंड दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं अपने घर के पुराने डोर प्लेट को मेकओवर दे रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इस प्लेट पे जैसे को एक कोट अप्लाई करके रखा है और यहाँ मैं 3 एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी, वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन का, और डॉम्स के ब्रशेस का यूज़ करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैंने यहाँ वाइट और ब्राउन को मिक्स करके ऑलरेडी एक शेड रेडी रखा है। मुझे नहीं मालूम इस शेड को क्या कहते हैं, बस मुझे अपने डोर प्लेट पे ये शेड चाहिए था। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस शेड को क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्लेट को इस मिक्स शेड से अच्छे से फिल कर रही हूँ ताकि कुछ कहीं पे छूट मत जाए। मैं यहाँ पर इस प्लेट पर मिक्स शेड का डबल कोट कर रही हूँ ताकि मेरा जो प्लेट का बैकग्राउंड है वो सेटल्ड दिखे, और इसे डबल कोट करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए इसे सूखने छोड़ दे रही हूँ। अब मैं इस डोर प्लेट में ब्लैक कलर से लीव्स वगैरह बना के थोड़े और डिटेल्स ऐड करूँगी ताकि मेरा डोर प्लेट थोड़ा प्रिटी लगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ताकि मैं थोड़ी और अप्रिशिएटेड फील करूँ और आपके साथ और प्यारे प्यारे वीडियोस शेयर करूँ। सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। सो ऑलमोस्ट ये डोर प्लेट रेडी है और अब मैं इस पे ऑलरेडी जो लिखा हुआ था जीसस ब्लेस दिस हाउस, उसे ब्राउन कलर से डिटेलिंग करूँगी ताकि वो थोड़ा उभर के प्यारा और सुंदर लगे, अच्छा लगे। जो डोर प्लेट मेकओवर है वो कंप्लीट हो चुका है, पर अभी एज वी ऑल नो कि हमें अपने क्राफ्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वॉर्निश का कोट अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अपने डोर प्लेट के फ्रंट में वॉर्निश का कोट अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और वैसे ही मैं अपने डोर प्लेट के बैक में भी वॉर्निश का कोट अप्लाई करूँगी। और मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, मैंने डोर प्लेट के बैक पे ब्राउन कलर का एक सिंपल कोट अप्लाई कर दिया है क्योंकि उसको एट लास्ट चिपक डोर पे चिपकाना है, तो मैंने उसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और ये मेरा डोर मेकओवर है जिसे मैंने सूखते ही अपने डोर पे चिपका दिया है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।